Okay, good afternoon all. Good afternoon. Today we will start our new chapter of your book, that is chapter number 9, Solar Radiation, Heat Balance and Temperature. Okay, so in this chapter, आप लोग क्या देखने वाले हैं कि जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, क्या इफेक्ट डालता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सारी चीजें जो है आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, जस्ट वी नो अबाउट द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन होता क्या है? सोलर रेडिएशन जो सन से जो लाइट आती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। द एनर्जी रिसीविंग बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो लाइट के फॉर्म में, जो हीट के फॉर्म के अंदर जो आती है रेडिएशन, वो ही क्या कहलाती है, अर्थ पे सोलर रेडिएशन कहलाती है। विच इज इन शॉर्ट इज टर्म एज इंसुलेशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपका वर्ड आता है इंसुलेशन, दैट इज सोलर रेडिएशन। ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इंसुलेशन। तो हमारे यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जो सोलर रेडिएशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन भी कहते हैं। द अर्थ इज फार्दस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4th July। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एम्फिलियन। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको। देखिए, ये सन है, यहाँ पर ये सन है, सन के पास में अर्थ, जब ये बहुत पास में होती है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिलियन। और यहाँ पर सन से जो दूर अर्थ होती है इसे हम कहते हैं एफिलियन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब दूर होती है तब इसको क्या कहते हैं, द फार्दस्ट फ्रॉम द सन। जब यहाँ पर दूर होती है काफी, इसे हम एफिलियन कहते हैं। ये अप्रोक्स डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर, और ये कब होता है, ये 4th July को होता है। ये पोजिशन कब आती है, 4th July को। ऑन 3rd January, 3rd January को द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन। अप्रोक्सिमेटली यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टेंस कितना रहता है, 147 मिलियन। ठीक है, 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। दिस पोजिशन इज कॉल्ड पेरिलियन, और इस पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिलियन। अब आप इसको कैसे लर्न करेंगे, पी फॉर पास भी होता है। ठीक है, तो आप इससे आप इस टर्म को लर्न कर सकते हैं। तो देयरफॉर द एनुअल इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन 3rd January इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव ऑन 4th July। तो आप ये देखेंगे कि जो अमाउंट है एनुअल इंसुलेशन का, ठीक है, तो अर्थ के पास में अगर कुछ होगा, अर्थ सन के पास में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो एनुअल रिसीव करेगा, जो हीट रिसीव करेगा, इंसुलेशन जो होगी वो यहाँ पर ज्यादा रिसीव होगी कंपैरेटिवली इस डिस्टेंस के। एफिलियन के टाइम पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है आपका, अप्रोक्सिमेटली 152 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 4th July को होता है, पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एफिलियन। तो ये वाली पोजीशन कब हो रही है यहां पर आपकी, 3rd July, 3rd January। ठीक है, स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव ऑन द 4th July। तो यहां पर अमाउंट जो है ज्यादा रिसीव करेगा। अब ये देखिए, सोलर रेडिएशन जो आती है अर्थ पर वो दो फॉर्म्स में आती है। क्या क्या है वो दो फॉर्म्स, जो सोलर रेडिएशन है अर्थ पर वो दो फॉर्म्स में आती है। एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में आती है, एंड एक होता है जो एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड एटम, जो हमारे अर्थ सरफेस है जो उसको सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं हमारे, है ना, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बायोकेमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को। और यहाँ पर हीट जो है, हमारी जो इंसुलेशन है वो एब्जॉर्ब की जाती है अर्थ सरफेस के द्वारा। ठीक है, तो ड्यू टू विच हीट इंक्रीजेस। अब देखिए, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, हम
हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब कोई भी एरिया है आपका लैंड सरफेस है वो हीट इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ का जो हीट है या आप कह सकते हो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके ये चीज आपको समझ में आई यहाँ पर? आप देखिए हाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन टेक्स प्लेस। जो ट्रांसफर होता है हीट वापस भी तो जाती है, तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किन फॉर्म में होता है? तो हीट जो ट्रांसफर करती है वो दो टाइप से करती है, दैट इज सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। अब इनको समझते हैं यहां पर। सेंसिबल हीट क्या होती है? देखिए सेंसिबल हीट इज द हीट दैट यू कैन फील। अब आप देखेंगे कि जो सेंसिबल हीट होती है जिसको कि आप फील करके टच करके ये पता लगा सकते हो कि वो गर्म है या ठंडा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, इन अदर वर्ड इट इज द हीट दैट कैन यू फील स्टैंडिंग नियर ए फायर और स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द सनी डे। अगर आप सूरज की रोशनी में खड़े हो तो आप गर्मी फील करोगे, है आपके पास खड़े हो तो आप गर्म महसूस करोगे, तो जो फील की जा सकती है दैट इज सेंसिबल हीट। अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी कंटेनर है, ठीक है कोई भी कंटेनर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉटर है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर मैंने बर्निंग आग जलाई, ठीक है यहाँ पर अगर मैंने आग जलाती हूँ तो क्या होगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं है ना, मॉलिक्यूल्स पहले रिजिड होते हैं, उसके बाद में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये गर्म होंगे और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ेगा और एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी अब जनरेट होती है। काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्स मान लीजिए कि 100 यूनिट होगी, तो 100 यूनिट में से 50 का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो हीट है जिसको कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर आग जलाई, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन है जो हीट में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप फील कर सकते हो है ना कि वो गर्म है या ठंडा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हो छू कर। क्लियर हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ विच सम पार्ट्स इज कन्वर्टेड टू हीट कॉल्ड सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल। तो क्या होता है कि जो आपका सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटीरियल, ठीक है मटीरियल ऑफ टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सेंसिबल हीट भी बढ़ेगी, ठीक है और टेम्परेचर को अगर कम करोगे तो सेंसिबल हीट भी कम हो जाएगी। आगे बात समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होती है कि जो ऑलरेडी पहले से ही जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है हीट, है ना, तो उसको हम लोग टच करके फील करके नहीं पता लगा सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, तो वो जो ऑलरेडी किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है पहले से ही, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस की कोई भी चीज को अगर हम छूते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो ठंडा है या गर्म है, तो वो क्या होगी आपकी लेटेंट हीट होती है। इट इज दैट एनर्जी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बिफोर, यानी कि पहले से ही उसमें मौजूद होती है। लाइक ह्यूमन बॉडी है ना, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है तो इसमें क्या होता है, सो दिस इज आउट लेटेंट हीट बाय टचिंग इट वी कांट फील हॉट और कोल्ड। तो अगर आप लोग देखेंगे कि अगर आप 37 डिग्री आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो आप 37 डिग्री तक की कोई भी चीज अगर आप छूते हैं तो आप उसमें पता नहीं लगा सकते कि वो हॉट है या कोल्ड है, तो वो जो प्रेजेंट है बॉडी में टेम्परेचर पहले से ही, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। दिस एनर्जी रिमेन इन द बॉडी एंड कैन बी सेंस बाय टचिंग, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मटीरियल, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ द मटीरियल, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, साइज का मटीरियल कितना है उस पर डिपेंड करती है ये चीजें। वेन एरिया इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, अब यहाँ पर देखिए इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर का और मटीरियल एरिया का। अब एरिया अगर आप समझेंगे, एरिया अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर एरिया को मैं कम कर देती हूँ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
कैसे होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, कैसे होता है देखिए, अगर आप स्लीपिंग पैटर्न की बात करते हैं, है ना, स्लीपिंग पैटर्न में जैसे कि आप गर्मियों में सोते हो तो क्या होता है ना, आप फैल के सोते हो, आप अपना एरिया को बढ़ा देते हो, एरिया बढ़ा देते हो तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है ना। और इसी तरीके से अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सुकड़ के सोते हैं, तो हमने क्या कर लिया, एरिया को कम कर लिया, एरिया को कम करते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, हमें ठंड नहीं लगती है। तो यहीं पर ये वाला जो जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर इस चीज से समझ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है बताइए। yes, हाउ दीज आर यूज इन द एटमोस्फियर। अब आप देखेंगे कि जो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट है वो एटमोस्फियर में कैसे काम करती है। अब देखिएगा, सपोज देयर इज ए वॉटर सरफेस। अब आप यहां पर समझिएगा कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये वॉटर सरफेस है, ठीक है, ये कोई वॉटर सरफेस है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो एयर है ये एयर बॉडी है ना। अब यहां से टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, वॉटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेंसिबल हीट होगा, पानी गर्म होगा जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं। तो वो पानी अगर गर्म है तो यहां पर क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट है। अब सेंसिबल हीट होगी, ठीक है, ये वॉटर सरफेस है, यहां पर इवोपरेशन स्टार्ट होगा। अगर यहाँ की एटमॉस्फेयर जो एयर है उससे टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है तो यहां पर सेंसिबल हीट होगी, सेंसिबल हीट होगी तो क्या होगा, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा नहीं होगा, ठीक है। अब इवोपरेशन होगा तो वेपर बनेंगे, वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तब ये सेंसिबल हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये लेटेंट हीट वेपर बनने के बाद में क्या होगा, यहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में पानी वापस से अर्थ सरफेस पे आएगा, तो ये वापस से क्या होगा, जो कि लेटेंट हीट बन गया था, लेटेंट हीट वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वापस से जो सेंसिबल हीट थी वापस से यहां पर क्या आ गई, सेंसिबल हीट बन के आ गई। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो बारिश होती है, पहली बारिश होती है वहां पर, उसके बाद जो धूप निकलती है उसमें काफी ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये सेंसिबल हीट क्या करती है, एटमॉस्फेयर को ठंडा या गर्म कर देती है। समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो, व्हेन द वॉटर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द एयर टेम्परेचर, तो जो इवोपरेशन है वो कब स्टार्ट होगा, इवोपरेशन तब स्टार्ट होगा जब एयर के टेम्परेचर से वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी तभी तो इवोपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन द एयर टेम्परेचर अबाउ द वाटर बॉडी इवोपरेशन विल स्टार्ट। तो जब पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा एयर के टेम्परेचर से तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, इवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये वाटर सरफेस है, अब यहां पर जो एयर का टेम्परेचर है इससे ज्यादा होगा तब ये क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा, इवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सेंसिबल जो हीट है, ये सेंसिबल हीट किसमें कन्वर्ट होगी, लेटेंट हीट में, इवोपरेशन के थ्रू जो सेंसिबल हीट है वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। द सेंसिबल हीट अर्लियर यू कैन टच द वॉटर एंड फील बाय द चेंज टू इट लेटेंट हीट एज द वॉटर इज इवोपरेटिंग एंड टर्निंग टू वॉटर वेपर। इवोपरेशन के प्रोसेस से वॉटर वेपर बनेगा और वॉटर वेपर के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा वॉटर, तब ये जो सेंसिबल हीट थी वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर इट कंडेंसेशन प्रोसेस हैपन्स वेयर द सेम लेटेंट हीट कन्वर्ट्स टू सेंसिबल हीट अगेन एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन का जब प्रोसेस होगा तो जो वापस लेटेंट हीट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वहां पर वो जो एटमॉस्फेयर है वहां का उसको क्या कर देगी, फिर गर्म कर देगी। सो इफ द सेंसिबल हीट अगेन कम्स बैक टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर विल बी हॉट और कोल्ड,
तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, हॉट होगा या फिर गर्म हो जाएगा। गर्म क्योंकि वहां से इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि वहां से सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा हॉट थी, तो वापस से वो हॉट ही आ जाएगी और एटमॉस्फेयर को भी वो हॉट कर देगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, इसी वजह से आप लोगों को पता होगा कि जो पहली बारिश होती है उसके बाद में काफी ज्यादा गर्मी जो है वो महसूस की जाती है। अच्छा, अब इसमें देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इवेपोरेशन जो है वो स्टॉप कब होगा। हमने ये देखा कि जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उससे वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, लेकिन ये इवेपोरेशन स्टॉप कब होगा, ये इवेपोरेशन स्टॉप कब होगा, व्हेन द एयर टेम्परेचर अबव द वाटर बॉडी इज सेम और द लेस देन द वाटर बॉडी। यानी कि ये वाटर बॉडी, ठीक है, ये वाटर बॉडी है और ये एयर का टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर, या तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन स्टॉप कब होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको? Yes, अब देखिए मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जो हीट है हमारी वो वापस ट्रांसफर होती है एटमॉस्फेयर में, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसका मेथड होते हैं रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। तो इन चारों मेथड्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे यहाँ पर। देखिए उससे पहले ये देखेंगे कि जो हीटिंग एंड कूलिंग होती है एटमॉस्फेयर में वो किस तरीके से होती है। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिटेड द हीट टू द एटमॉस्फेयरिक लेयर्स नियर टू अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। देखो जब अर्थ से जब रेडिएशन आती है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब हॉट बॉडी, ये जैसे सन है, सन हॉट बॉडी है, ठीक है, सन से जब रेडिएशन अर्थ की तरफ आएगी तो हॉट टू कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी जब रेडिएशंस आती हैं तो ये होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, अभी मैं समझाऊंगी आगे। जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब वेव्स आएंगी तो ये होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जब कोल्ड बॉडी से वापस रिलीज होती है एनर्जी ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में तो ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम होता है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हीट और कूल कैसे होता है। तो यहां पर देखें, जब एनर्जी जो है इंसुलेशन की वजह से जब लैंड सर्फेस गर्म हो जाता है तो अर्थ जो है वो अपना काम करके सोलर रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट करती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये वेव्स जाती है लॉन्ग वेव फॉर्म में। किस फॉर्म में जाएगी? लॉन्ग वेव फॉर्म में जाएगी। और जब सन से कोल्ड बॉडी की तरफ रेडिएशंस आती है तो वो शॉर्ट वेव लेंथ होती है, ये ध्यान रखिएगा। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टेक्ट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है। जब एक भी या फिर आप इसको इस तरीके से समझिए, यहां पर लैंड सरफेस है, ठीक है, अब यहां पर भी एक लेयर होगी, यहां पर भी एक लेयर होगी, यहां पर भी एक लेयर होगी, अलग अलग लेयर्स होती हैं। जब ये इसके गर्म है, ये वाली लेयर अगर हॉट है तो ये इसके कॉन्टेक्ट में आके इसको भी हॉट करेगी, इसको भी हॉट करेगी, इसके कॉन्टेक्ट में आएगी, जो फिर ये वाली लेयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये भी गर्म हो जाएगी। अगर सपोज करिए कि लैंड सरफेस कोल्ड है तो इसके कॉन्टेक्ट में ये वाली एयर है तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, फिर ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो भी कोल्ड हो जाएगी। तो ये जो कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जो आप लोग कहेंगे कि जो लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन, ठीक है। जब कॉन्टेक्ट में आने की वजह से लेयर्स में टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है, जब सेम होता चला जाता है टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन, ठीक है। एयर इन कॉन्टेक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड, जब एयर जो है लैंड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो गर्म या ठंडी होगी, ठीक है, स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टेक्ट विद द लोअर लेयर्स ऑल्सो गेट हीटेड, यानी कि अपर लेयर और लोअर लेयर जो है वो दोनों ही कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हीटेड होती है, अगर सरफेस हीटेड है तो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। यहां पर चीजें समझ में आई नहीं आई, बताइए? यस मैम।
कोई डाउट आपको? किसी तरीके का डाउट? चलिए आगे बता रही हूँ मैं आपको। यहां पर देखेंगे जो यहां पर किसी भी तरीके का पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये एक चीज और नोट करिए। विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पार्टिकल्स जो है वो किसी भी तरीके से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। अब देखिए और आगे पढ़ लेते हैं। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टेक्ट विद वन अनादर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडी, द ट्रांसफर ऑफ द हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और द कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दो बॉडीज हैं इन दोनों के बीच में ये दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन ये टेम्परेचर, ये कॉन्टेक्ट जो है मेथड है, कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट रहेगा? जब या तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता या इन दोनों को ब्रेक नहीं कर दिया जाता, ठीक है। तो इन दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होगा तब तक कंडक्शन का प्रोसेस चलेगा, या फिर इनको ब्रेक नहीं कर दिया जाता तब तक ये जो हीट है ये आपस में क्या होती रहेंगी, जो ट्रांसफर होती रहेंगी, और ये जब बंद हो जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, ठीक है। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, तो कंडक्शन की वजह से जो हमारी लोअर लेयर होती है वो गर्म होती है एटमोस्फियर की, गर्म या ठंडी दोनों ही प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड फर्दर ट्रांसमिटेड द हीट ऑफ द एटमोस्फियर। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज कन्वेक्शन। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉन्टेक्ट होने की वजह से आ रहा था। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल हीटिंग की, वर्टिकल मूवमेंट जो होता है इस तरीके से, वर्टिकल मूवमेंट जब होता है एटमोस्फियर के अंदर हीटिंग का, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? कन्वेक्शन। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझेंगे कि अगर हमने कहीं पर पानी गर्म किया, देखो अब सपोज करिए यहां पर मैंने कंटेनर है, यहां पर मैंने पानी गर्म किया, ठीक है, वाटर है, तो क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और ये जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वापस नीचे की तरफ आएंगे, है ना, यही होगा। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट है इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर भी होता है। आप देखेंगे कि जहां पर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, इस तरीके से मूवमेंट होता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? कन्वेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अभी मैंने जो एग्जांपल बताया ये आपको इसमें नहीं है, एटमॉस्फेयर के अंदर काम कैसे करता है, जहां पर आप देखेंगे कि हीट बहुत ज्यादा होती है वहां लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर जब गर्म हो जाती है हवा तो गर्म होकर क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है, है ना, और जो ठंडी हवा होती है वो वापस नीचे की तरफ आती है। तो इसी यही जो है ये जो प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल हीटिंग, आप यह कह सकते हैं कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। पानी आप देखेंगे कि जहां पर गर्म होकर जा रहा है ऊपर की तरफ तो यहां पर मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसमें होता ही होता है। तो कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फियर। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक ही होता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अब हम देखेंगे ये तो हमने क्या देखा था, वर्टिकल मूवमेंट देखा था, अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की इस तरीके से, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का इसे हम कहते हैं एडवेक्शन।
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एडवेक्शन कहा जाता है. लोकल विंड्स कॉल्ड लू, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये राजस्थान के अंदर जो गर्म हवाएं चलती हैं वो लू इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन. ये क्या होती है? एडवेक्शन का ही प्रोसेस से बनती है. ठीक है, अब देखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब वॉटर के अंदर होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब वॉटर के अंदर होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? वेव कहते हैं. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब एयर का होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? विंड. ये मैंने आपको पहले भी बताया नहीं बताया. और ये हमेशा कैसे होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एडवेक्शन. अब देखिए रेडिएशन की बात आती है. रेडिएशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होती क्या है. तो इन ए पर्टिकुलर टाइम हाउ मेनी टाइम्स, ये देखिए ये एक जो टाइम है यहां पर आप देखेंगे इसमें एक सेकंड का टाइम मैंने दिया है. ठीक है, सपोज करिए ये एक सेकंड का टाइम है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो वेव है, ये वेव है. ठीक है, ये कितनी बार ट्रेवल कर रही है तो ये क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है. तो इससे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है. ये पार्ट है आपका क्रस्ट, ये है ट्रफ. तो ये जो दो क्रस्ट है, इन दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे. वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ को इस साइन से डिनोट किया जाता है जिसे कि लैम्डा बोला जाता है. ठीक है, तो अब यहां पर क्या बताया गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. जैसे फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है, देखिए यहां पर आप देखेंगे कि डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर आप देखेंगे डिस्टेंस कम नजर आ रहा है. तो यहां पर कितनी बार मूव कर रही है? 1, 2, 3, 4, 5 टाइम मूव कर रही है. यहां पर आप देखेंगे कि ये क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है कंपेरेटिवली इसके. तो यहां पर आप देखेंगे क्या है, कितनी बार मूव कर रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो यहां पर आपको रिलेशन समझ में आया कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, वेवलेंथ जहां पर ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों का. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रहता है? इनवर्स रिलेशन रहता है. ये बात ध्यान रखिएगा. समझ में आया नहीं आया यहां पर बताइए. वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. हायर द वेवलेंथ स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है. ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आया. अब मैं आपको बताती हूं रेडिएशन क्या होता है. देखिए रेडिएशन जो है, सोलर रेडिएशन इज इन जो हमारे इंसुलेशन आती है, यानी कि जो हीट आ रही है अर्थ सरफेस पे, उसे ही हम सोलर रेडिएशन कहते हैं. सोलर रेडिएशन वेरियस फॉर्म्स के अंदर आती है. क्या क्या फॉर्म्स में आती है? देखिए गामा रेज में आती है, एक्स रेज में आती है, यूवी रेज में आती है, विजिबल में आती है, इंफ्रारेड में आती है, माइक्रोवेव्स में आती है, रेडियो वेव्स में आती है. ठीक है, तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता चला जाता है? डाउन होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है. तो यहां पर आप देखेंगे कि गामा रेज और एक्स रेज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, उसके बाद में आप इंफ्रारेड माइक्रो रेडियो वेव्स जो होती है इनका टेम्परेचर कम होता है. तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. इसी वजह से जब सन से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो वेव आती है तो वो शॉर्ट वेव्स कहलाती है. ये ध्यान रखिएगा. गामा रेज और एक्स रेज ये दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनता है. न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो कि सन के अंदर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है मैंने आपको बताया था, बताइए क्या बताया था मैंने? टेल मी. हाँ, जब एक पार्टिकल कई पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से गामा रेज और एक्स रेज जो है वो बनती हैं. यूवी रेज एंड विजिबल रेज, यूवी रेज और विजिबल रेज क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के कंबाइन होने की वजह से
दो हाइड्रोजन के कंबाइन होने की वजह से हीलियम, एक हीलियम और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, और इसी की वजह से जो विजिबल और आपकी जो यूवी रेज है वो बनती हैं, और इसी को हम लोग सोलर लाइट रेडिएशन भी कहते हैं, और ये प्रोसेस होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर कई पार्टिकल्स जो होते हैं वो बनकर एक पार्टिकल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एनर्जी की होती है जो अल्ट्रा विजिबल वॉयलेट, सॉरी अल्ट्रा वॉयलेट एंड विजिबल लाइट को हम कहते हैं सोलर लाइट रेडिएशन। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पर किस तरीके से ये बनती है। तो आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब देखिए, सोलर रेडिएशन इज इन वेरियस फॉर्म्स, ये आपको पता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे कम होता चला जाएगा, इन कंपैरिजन टू देम वेवलेंथ इज लेस, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो वेवलेंथ है, मैं देखो इस तरीके से आपको बता देती हूँ, यहां पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर सन के पास में बहुत ज्यादा होता है ना, तो यहां की जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ये वेवलेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, जैसे टेम्परेचर यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर यहां पर कम होता चला जाता है। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर टेम्परेचर कम है, तो ये जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ है, ये वाली जो लेंथ है यहां पर क्या होती चली जाती है, यहां पर कम होती है, और आगे की तरफ जहां टेम्परेचर कम होता चला जाता है वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू देम वेवलेंथ इज लेस यूवी एंड विजिबल वेवलेंथ इज शॉर्ट, सो रेडिएशन फॉर्म सन विच कम्स टू अर्थ इज कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ। इसीलिए जो सन से जो वेवलेंथ आती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने लाइट रेडिएशन, और इसको लाइट रेडिएशन भी कहा जाता है। क्लियर हो गई ये चीज आपको? अब देखिए, द हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, अब ये किस तरीके से आती है वो देख लेते हैं। अब देखिए, जो ये सन है ना, ये सन है, सन से जब अर्थ तक जो वेव्स आ रही हैं, इस वेव्स को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहेंगे। अब यहां पर समझना, यहां से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब रेडिएशन आ रही है तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, अब कोल्ड बॉडी भी तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तब यहां से जो रिलीज होती है एनर्जी, इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या कहेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जब भी रेडिएशन जाती हैं तो लॉन्ग वेव रेडिएशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, व्हाई एंड वेयर रिफ्लेक्शंस हैपन, कहां कहां पर रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो रिफ्लेक्शन मेनली कहां कहां होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर आइस इज फाउंड मोर रिफ्लेक्शन इज सीन। देखिए, अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हो रहा है, देखिए यहां पर आप देखेंगे जो रेडिएशन अर्थ पर आ रही है, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, अब ये रेडिएशन जो आ रही है वो कई बार रिफ्लेक्ट हो जाती है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर अगर अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है, अपना काम करता है, उसके बाद रिलीज करने की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है जब अर्थ ने कोई काम नहीं लिया, रेडिएशन को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया। तो वो किन एरियाज में होता है, ऐसी सिचुएशन किन एरियाज में होती है, तो आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा कि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, और जो व्हाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ये चीज आपने समझी होगी। तो उन एरियाज में, सरफेस एरियाज में जहां पर आइस बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, आइस आपको पता है कि व्हाइट कलर की होती है और बहुत ज्यादा चिकनी भी होती है, तो उन एरियाज में जहां पर स्नो होता है वहां से रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गई ये चीज, उन एरियाज में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। इन द एटमोस्फियर, दो जगह होता है, अर्थ सरफेस पे आपको समझ में आ गया, आइसी रीजन जितने भी होते हैं वहां से रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है,
और इसके अलावा एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, देखिए जहां पर वाटर वेपर ज्यादा होगा वहां रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जहां क्लाउड्स ज्यादा होंगे वहां पर भी रिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे, ठीक है। क्लाउड्स होता है ना, हीट को नहीं आने देते अंदर, आने देते हैं क्या क्लाउड्स हीट को? नहीं आने देते हैं, तो क्लाउड्स की वजह से भी रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, हैपेंस अ लॉट, ठीक है। तो किन एरियाज के अंदर जो हीट है वो ज्यादा ट्रांसफर, या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन किन एरियाज के अंदर ज्यादा हो रहा है अर्थ सरफेस पे और एटमॉस्फेयर में, वो क्लियर हो गई चीज आपको? यस मैम। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एल्बिडो। एल्बिडो से हम लोग आपको कल पढ़ाएंगे। अब तक जो आपको समझ में आया कि क्या प्रोसेस, मैंने सारी चीजें जो आपको रेडिएशन है क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें आपको समझ में आई? कोई डाउट आपको? नो मैम।